कि लास्ट टाइम हम लोग ने हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइज देखा है आज इसको ही कंप्लीशन करते हैं दोनों का मेरे डिफरेंस क्या होता है दोनों का मतलब होता है एक एडिशन ऑफ वाटर तो डिफरेंस क्या होगा तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमारी डेफिनेशन भी हो जाएगी हाइड्रोलाइज का मतलब क्या आता है कि जब कोई रिएक्टन या सब्सटेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हो सकता है वो वन प्रोडक्ट है या डिफरेंट प्रोडक्ट है यानी ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एक को एच रहता है और दूसरे को ओ एच हाइड्रोजन में इस तरह का कुछ नहीं होता है हाइड्रोजन जब कोई भी सब्सटेंस तो OH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली एक ही प्रोडक्ट देता है जिसमें हाइड्रोजन ओएच दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं हाइड्रोलाइसिस फर्स्ट एग्जाम्पल में एक हाइड्रोजन है जो सोडियम के साथ हाइड्रोजन जो दूसरे मालिक कार्बोनेट के साथ कंबाइंड हुआ है और जो ओ OH है वो सोडियम के साथ कंबाइंड हो गया है ठीक है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हाइड्रोजन में ऐसा नहीं होता है हाइड्रोजन पूरा के पूरा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ कंबाइंड हो जाता है तो आई होप हम लोग को समझ में आ गया है कि हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजन क्या है अब आते हैं हैवी वाटर ये हैवी वाटर की कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले यूरिया ने नाइनटीन को बताया इसका यूज़ मॉडर्न मॉडरेट न्यूक्लियर रिएक्शन में भी किया गया था ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये अच्छा ये हैवी वाटर जो है ये यूज इन प्रिपरेशन और डिटोरियम कंपाउंड के लिए भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था हेवी वाटर का सिंबल क्या है डी टू ओ तो ड्यूटोरियम से ही आया ये प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर तो हमारे पास दो मेथड है पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आसान भाषा में बोलूँ तो हैवी वाटर एक्चुअली गंदे वाटर के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा वाटर जिसके अंदर के कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है उसे भी हम लोग हैवी वाटर बोलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं जब हमें कैल्शियम कार्बाइड को डी टू ओ मतलब हैवी वाटर या डाइटोियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये सी टू डी टू देता है और कैल्शियम ऑक्साइड है डी टू इज माई डिटोरियम देता है सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो डी टू एस ओ फोर देता है और अगर मैं एल, टेट्रा एलोमियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो यही डी टू ओ सी डी फोर एंड ए एल ओ डी थ्री देगा नेक्स्ट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसकी डिस्कवरी थेनार्ट ने 1818 18 में की थी इस तरह के वाटर को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं इसे प्रिपेयर करने का फर्स्ट मेथड है बाय बेरियम परॉक्साइड जब हम कोई बेरियम हाइड्रेट बेरियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेक करते हैं तो ये बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन परॉक्साइड और एट अमाउंट ऑफ वाटर देता है ये एक मेथड हो गया प्रिपेयर करने का दूसरा मेथड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस यानी किसी ऐसे वाटर जिस बीच कंटेंट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें अगर इलेक्ट्रिकसिटी प्रोवाइड करें तो वो एच प्लस और एच एस फोर देगा ठीक है कैथोड रेंज पर रिएक्शन में हाइड्रोजन मिलता है एनोड रेंज पर एच टू एस टू ओ एट मिलता है एक तरह एसिड ही है नेक्स्ट हाइड्रोलाइजिस पर ऑक्सीडल डाई सल्फ्यूरिक एसिड ये भी एक मेथड है जिसमें हम लोग इस जो एसिड हमें मिला था इलेक्ट्रोलाइसिस से इसको फर्दर रिएक्ट करेंगे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमें एक पर्टिकुलर एसिड कंपाउंड देगा दो एसिड कंपाउंड मिले उसमें से हम लोग एच टू एस फाइव को फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल देगा और भी मैथड है इंडस्ट्री में अलग मैथड इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में टू इथाइल एंथ्राक्वाइनल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो डायरेक्टली हमें हाइड्रोजन परॉक्साइड देता है और ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट देता है ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और प्लेटिनियम केटलिस के बेस पर होता है इस तरह के रिएक्शन को आउट ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है इस रिएक्शन में वन ही हाइड्रोजन पर फॉर्म होता है और ये पानी और, को और कॉन्सनट्रेटेड डिस्टलेशन के जरिए भी फॉर्मेशन किया जाता है पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या है हाइड्रोजन परॉक्साइड की ये पेल ब्लू कलर लिक्विड है ये पानी के साथ मिसिबल है पूरा के पूरा पोर्शन उसका और ये हाइड्रेट एच टू ओ टू हाइड्रेटेड पर हाइड्रोजन परॉक्साइड भी बनाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट टू ट्वेंटी वन कैलविन है अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पराक्साइड बाई वेट अगर बात करूँ तो हंड्रेड एम सॉल्यूशन में इसका परसेंट स्ट्रेंथ होती है वॉल्यूम की बात करूँ तो ये ऑक्सीजन लाइब्रेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है डिकम्पोजिशन एक एम में एक लीटर वाटर में ये डिकम्पोज कर लेता है अपने आप को स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं हाँ, ये एक नॉन प्लेनर है और ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए दोनों स्ट्रक्चर इसके डिफरेंट फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक गैसेस स्टेट को और दूसरा सॉलिड स्टेट को नेक्स्ट स्टोरेज कैन नॉट बी स्टोर इन ग्लास बॉटल बिकॉज अब प्रॉब्लम ये है कि इसको स्टोर नहीं कर सकते ग्लास बॉटल में क्योंकि ग्लास के बॉटल से रिएक्ट कर कर पानी और ऑक्सीजन बना लेता है इसे स्टोर करने के लिए पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है या प्लास्टिक की बॉटल या टैफलिन बॉटल्स में रख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ग्लिसरॉल और अल्कोहल एसिडामाइड एंड फॉस्फरिक एसिड इनका ऐड किया जाता है इसे स्टेबलाइज करने के लिए या ताकि ये डिकम्पोज ना करें नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पर तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है साइनेट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए इसका इस्तेमाल होता है और सीवेज वेस्ट में भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान है एंटीसेप्टिक जैसी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है डेली लाइफ में बात करें तो ब्लीचिंग और ये एक माइल्ड डिसइनफेक्टन है ठीक है जनरली प्रिपरेशन करना है अगर सोडियम कार्बोनेट या पर कार्बोनेट तो हम हाइड्रोजन पर का इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल पेपर्स पल्प ऑयल फैट एंड लेदर में भी हाइड्रोजन पर का इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसके अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है आउटर ऑक्सीडेशन एंड आउटो रिडक्शन इसमें हम क्या करेंगे वाटर के हाइड्रोजन परॉक्साइड को हाइड्रोजन पर के साथ ही अगर मैं रिएक्ट करता हूँ तो बनने वाला मालिकल होगा वाटर एंड ऑक्सीजन ये काफ़ी जल्दी डिकम्पोज कर लेता है अगर इसको हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ मेटल तभी ये इस तरह के प्रोडक्ट देगा नेक्स्ट टू सीरीज ऑफ सॉल्ट में अगर मैं हाइड्रोजन परॉक्साइड और एसिड सॉल्ट जब हाइड्रोजन पर को मैं हीट करता हूँ तो ये एच प्लस एन एच ओ टू आयन देगा मैं इस तो ये एक चीज़ तो पता चल गई कि हाइड्रोजन डिकम्पोज या पानी में पुट करने में या कोई भी सॉल्वेंट में पुट करने पर एच प्लस एन एच ओ टू माइनस आइन देता है तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे रिएक्ट करता हूँ तो ज़ाहरी बात है ये एन एच ओ टू प्लस एच टू ओ मोलिक्यूल देगा या पर ऑक्साइड और नॉर्मल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करूँ तब भी ये इसी तरह के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट अनऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हाइड्रोजन परोक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह से ही काम करता है जैसे आयरन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं व्हेन आयरन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड इट यूज आयरन एंड वाटर मॉलिक्यूल लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने पर यही हाइड्रोजन एज अ ऑक्साइडाइजिंग एजेंट का काम करता है और लीड सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल देता है रिड्यूसिंग एजेंट इन हाइड्रोजन एडिशन मैग्नीज ऑक्साइड रेकविक्स एसिड प्लस हाइड्रोजन प्रोक्साइड देता है मैग्नीज़ वाटर मालिक्यूल और ऑक्सीजन तो ये एक तरह से रिड्यूजिंग एजेंट का भी काम करता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम रिड्यूजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम अगर बेसिक सॉल्वेंट के साथ ट्रेक करें तो उस वक्त भी इसका बिहेवियर एक जैसा ही होता है ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी देता है ऑक्सीडाइजिंग की भी और रिड्यूसिंग की भी सो हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिड्यूस होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है इस तरह के रिएक्शन को कॉलर भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट का केमिकल्स है। ये क्यों होता है ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से एक कलरिंग मैटर्स आता है और इससे एक नया नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है अब इस कलर मैटर को हम लोग इस के साथ रिएक्ट करने पर यह वापस एक कलरलेस मैटर बनाता है इट फॉर्म ग्लाइकोल विद अल्कन अगर मैं किसी अल्किन के साथ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को रिएक्ट करूँगा तो ये ग्लाइकोल मॉलिक्यूल बनाता है नेक्स्ट एज अ फ्यूल हाँ ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है इससे पल्यूशन भी बहुत ही कम होता है इसको ट्रांसपोर्टेशन करना भी बहुत आसान है ये काफ़ी लिमिटलेस है और एक अच्छा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है डिसएडवांटेज एडवांटेज एक्सपेंसिव है और इसको स्टोर करना लिक्विड स्टेट में काफ़ी महंगा है तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गए